ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से पुलिस कर्मियों की बर्बरता सामने आई है। ट्रैफिक नियम के उल्लंघन करने पर पुलिस वालों ने एक शख्स की बेरहमी से पिटाई कर दी है। पुलिस वालों ने जिस शख्स की पिटाई की है उस शख्स के साथ उसका 5 वर्ष का भतीजा भी मौजूद था और उस मासूम के सामने ही उसके चाचा के बीच चौराहे पर पिटाई की गई। पुलिस वालों ने थप्पड़ों की बरसात कर दी, यहां तक कि मासूम बच्चे के सामने ही जमीन पर घसीट घसीट कर पिटाई की गई। युवक खुद को छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, मगर वीडियो में दिख रहे ये दोनों पुलिस वाले उस मासूम के सामने ही सार्वजनिक स्थान पर बुरी तरह से युवक की पिटाई करते रहे। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद आला अधिकारी हरकत में आए और दोनों पुलिस वालों को कार्रवाई के नाम पर सस्पेंड कर दिया है। ये वीडियो 10 सितंबर का बताया जा रहा है। देखिए किस तरह से पुलिस वालों ने इस शख्स की पिटाई की है। आप इसे गुंडई नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। हमारी गलती कर हमें जेल में बंद कर दीजिए। चलो वहाँ यहाँ बात नहीं चलो। नहीं चलो घर पहुँच जाए थे। चौक में चलो एक आदमी। अरे इतने लोगों में कोई नहीं ले जाने वाला है। लड़ाई लड़ रहा है हमारी बेइज्जती कर रहा है। बस भगवान दुनिया किया मान तू इतने लोग हंगामा किया कुछ नहीं किया साहब। आप लोग हमें सिर्फ मार रुको चल बेटा बैठ बोला इसके बाप को नहीं जो मारा मत रुको मारा कल ले, कल लेकर आ जाएंगे। नहीं रुको तुम नहीं लेके जाओगे। एक घंटा लेकर आए चाबी दो चाबी नहीं दे तो तुमको हम जाने नहीं देंगे। मत जाने दीजिए चले जाओ। हाय मैम रुका नहीं रुका। अच्छा क्या हमारी गलती क्या बता रहा हूँ बता दीजिए। आप इतना मारे है ना तुम तो पूरे बवाल पूरा चौरा है बवाल किए हमारी गलती क्या। ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर इस शख्स की बेरहमी से पिटाई की गई है, मगर इन दोनों पुलिस वालों को सिर्फ कार्रवाई के नाम पर सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि जिस तरह से इस वीडियो में ये दोनों पुलिस वाले इस शख्स की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं इन पर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर इन दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।